स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को ना मिली हो, तब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है जीविका, मैं तुम्हें यहां से जिंदा वापस जाने दूंगा ताकि तुम जाके सबको रिया की मौत का सच बता सको। जिस इंसान को अपनी बीवी का गला दबाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उसे तुम्हें मारने से पहले क्या सोचा? अरे पागल हो गई है, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है, गलत इल्जाम लगा रही है मुझ पे। इसे तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जो भी शीतल ने अभी कहा ना, उसका अंदाजा मुझे बहुत पहले से था। मैं बस इसके मुंह से सुनना चाहती थी कि तुम दोनों ने वीरेन जी के खिलाफ साजिश रची, इसीलिए एक छोटा सा गेम मैंने भी रचा। सच उगलवाने का गेम जिसमें मैं 100% कामयाब रही। शीतल के माइंड में मैंने जानबूझकर शक भरा ताकि ऐसे ही तंग आकर वो सारा सच उगल दे। देख लिया शीतल, मैं तुम्हारे साथ कोई दगा नहीं कर रहा था। ये सब जीविका की चाल थी, तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की। तुम हो कि उसकी चाल में फंस गए। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी चालबाज हो, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेला। गेम मैंने पहले अपने अंदर झांक के देखो कि तुम दोनों ने क्या किया। मैंने तो जो कुछ भी किया मजबूरी में किया क्योंकि मैं सच जानना चाहती थी, पर तुम दोनों ने जो किया ना उसका मैंने जो किया मेरी मजबूरी थी। तंग आ गया था मैं अपनी वाइफ से। कई बार मैंने उसको कहा कि मैं उसके साथ जीना नहीं चाहता, तलाक दे दे वो मुझे, पर एक वो थी जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब जाकर मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी जीता उसके साथ में? और अब खूब मजे करना संभव, लेकिन जेल के अंदर बैठकर। तुम्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को ना मिली हो, तब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है जीविका, मैं तुम्हें यहां से जिंदा वापस जाने दूंगा ताकि तुम जाके सबको रिया की मौत का सच बता सको। जिस इंसान को अपनी बीवी का गला दबाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उसे तुम्हें मारने से पहले क्या सोचना? 2 मिनट लगेंगे, तुम्हें दफन कर दूंगा। इस वीरान जगह में तुम्हें कहां दफना दूंगा ना, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। बचाने वाला हर जगह मौजूद होता है संभव मलिक। तुम्हें क्या लगा कि हम दी को तुम जैसे भेड़िए के साथ अकेला छोड़ देंगे? वैसे तुम जितने बुरे इंसान हो ना, उतनी बुरी तुम्हारी आवाज नहीं है। सुनोगे? एक मिनट,
तंग आ गया था मैं अपनी वाइफ से। कई बार मैंने उसको कहा कि मैं उसके साथ जीना नहीं चाहता, तलाक दे दे वो मुझे, पर एक वो थी जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, पर तब जाकर मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। संभव और रिया का पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। ए तुम्हें संभव, इतने चौंक क्यों रहे हो? फिल्में नहीं देखते हो क्या? हर मूवी के एंड में इंस्पेक्टर आके असली मुजरिम को पकड़ता है ना। इंस्पेक्टर साहब, इसमें सारी बातें रिकॉर्डेड है। संभव और शीतल, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रिया के कातिल यही है। ये लीजिए हवलदार, अरेस्ट करो ने। लेके चलो इसे। हैप्पी जेल यात्रा संभव, लेकिन जाने से पहले हम लोगों से एक अच्छा सा तोहफा नहीं लेके जाओगे? ये तुम्हारी बीवी की तरफ से, जिसे तुमने बहुत बेरहमी से मार डाला। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब जाओ, अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे काटो। घबराओ मत शीतल, तुम्हें मैं कोई थप्पड़ नहीं मारूंगी, क्योंकि तुमने तो खुद ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसकी चोट तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। पर मैं उम्मीद करती हूं तुम आगे जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। चलो। थैंक यू माता रानी, आपके आशीर्वाद के बिना ये मिशन मेरा कभी कंप्लीट नहीं होता। थैंक यू मन, थैंक यू विराट। अकेले मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाती। घबराओ मत दी, अब दुनिया की कोई भी ताकत जीजू को सलाखों के पीछे नहीं रख सकती। कोई भी कानून उन्हें सजा नहीं दे सकता। वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और हमारे घर की खुशियां लौट आएंगी। थी Thank you.
खा लो दीदी, वीरेन जेल से रिहा हो गया। हाँ, हम लोग उसे लेके घर आ रहे हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। यकीन नहीं होता संभा, तो समझा था तुझे, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्यों संभा, तेरा क्या बिगाड़ा था यार मैंने? मैं जानता हूं मेरे, और मैं तुमसे कोई दुश्मनी का बदला नहीं ले रहा था। मुझे कोई ना कोई चाहिए था जिसके ऊपर अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम ठोक सकूं। सबसे पहले तुम फंस गए। तुम्हारा ये फ्रेंडली एटीट्यूड, ये हेल्पफुल नेचर, इसने मेरे काम को और भी आसान बना दिया। ये तो शीतल की वजह से सारा काम बिगड़ गया। अभी जो कुछ भी हुआ इसे तुम अपना बैड लक समझो या कुछ भी समझो, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें फंसाना चाहता हूं। It just happened. तरस आता तुझ पर संभव, तुझ पर, तेरी जिंदगी पर। संभव तो जिंदगी में हमेशा अकेला रहा है, और देख आज भी तू अकेला ही है। तू जैसे इंसान को तेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। प्लीज साहब ले जाइए इसे। घर चले जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।